हेलो फ्रेंड्स, यदि आप सब्जी खा खा के बोर हो गए हैं और यदि आपका मन कर रहा है कुछ नया खाने का, तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल और मैं हूँ आपके साथ कीर्ति। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही क्रीमी टेक्स्चर वाली बेसन की सब्जी की रेसिपी। तो आइए देखते हैं इसे हमें कैसे। इसके लिए हमें लेना है 1 कटोरी बेसन, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 बड़े टमाटर लेने हैं बड़े टुकड़ों में कटे हुए, हल्दी पाउडर लेना है 1/2 चम्मच, रेड चिली पाउडर 1 बड़ा चम्मच, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, जीरा लेना है 1 बड़ा चम्मच, हरा धनिया लेना है गार्निश के लिए और नमक स्वाद अनुसार। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया है, 1 बड़ा चम्मच तेल गर्म होने रख दिया है। तब तक हम बैटर तैयार करते हैं। सबसे पहले बेसन में हम डालेंगे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, साथ ही नमक डाल देंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। अब इसका हम बैटर तैयार करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। इसे अच्छे से मिक्स करते रहें जिससे इसमें गुठलियाँ ना पड़े। ये देखिए फ्रेंड्स, बैटर हमें इतना पतला बनाना है। इसमें मैंने 2 से 3 गिलास पानी डाला है। चलिए तेल गर्म हो गया है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा। जीरे को गोल्डन ब्राउन होने देंगे। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, हरी मिर्च दोनों डाल देंगे। अब इसे भी हमें गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें मैं बैटर ऐड कर रही हूँ। और इसे इस तरीके से चलाते हुए हाई फ्लेम में चलाते रहना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें उबाल आने लगा है। अब इस स्टेज में हम डालेंगे टमाटर, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें हमने टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब इस तरीके से चलाते हुए हमें 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है इसे। इसे पकने में 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए बेसन की सब्जी एकदम रेडी है। ये साइड में डार्क कलर दिख रहा है आपको, डार्क येलो, इसका मतलब ये एकदम तैयार है खाने के लिए। अब इसे हम हरा धनिया डाल के सर्व करेंगे, गैस बंद कर देंगे। इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ, पूरी, पराठे, जैसे चाहे वैसे खाएं, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये बेसन की सब्जी की रेसिपी कैसे लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरे चैनल के साथ बने रहें नई नई रेसिपी देखें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।